आपको ये तो पता ही होगा कि मारुति सुजुकी बलिनो इज अ ग्रेट हैचबैक दैट डिलीवर्स कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड अ ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। वेल, यू कैन से दैट ऑल द क्वालिटीज मेंशन आर डिलीवर्ड बाय द टोयोटा ग्लांजा एज वेल। साथ ही साथ क्या आपने ये सोचा है कि सेम गाड़ी बेचने के बाद भी ग्लांजा बलिनो से कम क्यों बिकती है, क्यों इसके सेल्स फिगर डाउन है? तो ये सभी सवालों के जवाब के साथ हम ये भी देखेंगे कि टोयोटा के आगे के क्या प्लान्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं टोयोटा के पहले अपकमिंग कार से, और पहले नंबर पे है टोयोटा की RAV4। ये गाड़ी एक हाइब्रिड व्हीकल होने वाली है। ये गाड़ी काफी बार इंडियन रोड्स में टेस्टिंग करती हुई देखी गई है, इसलिए लिस्ट में पहले नंबर पर यह है। खैर, ये कार बेस्ड होने वाली है TNGA पर, यानी टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर पर। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसमें टोयोटा की कैमरी और कोरोला बनाई जाती है। थैंक्स टू द न्यू प्लेटफॉर्म, जिसमें अब अपने को RAV4 में थोड़े लॉन्गर व्हील बेस देखने को मिलेंगे, ये अपने को 2.5 लीटर के 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिलेगा, हाइब्रिड सिस्टम के साथ। तो इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट दिसंबर 2021 हो सकती है, और ये आपको लगभग 25 से 28 लाख में मिलने वाली है। फीचर्स में आपको 8 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले, टोयोटा एंटून 3.0 ऑडियो सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले, अमेजन एलेक्सा और बिल्ट इन नेविगेशन देखने को मिलेगा। ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होने के साथ साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी। तो दूसरे नंबर पे है टोयोटा की रेस। 2020 में लॉन्च हुई ये टोयोटा का इंटरनेशनल मॉडल व्हीकल में से एक है, जो कि जापान में दबा के सेल होती है। ये एक सब 4 मीटर SUV होने वाली है, एंड दिस कैन बी द टफ राइवल फॉर द ऑल टाइम सेलिंग बेस्ट SUV ब्रेजा। वेट, तो अर्बन क्रूजर का क्या होगा? देखो, एक फैक्ट बात कहता हूँ, टोयोटा आज के डेट में कंफ्यूज हो चुकी है अपने फैन बॉयज और पोटेंशियल कस्टमर को लेकर। खैर, ये आपको 996 cc का मिलने वाला है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ। साथ ही साथ 98 हॉर्स पावर के साथ इसमें 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलेगा। इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख होने वाला है, और ये 2021 के एंड में लॉन्च हो सकती है। और तीसरे नंबर पे है, एंड हियर कम्स द बेल्टा। गाइस, बेल्टा के ऊपर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। इसे बेल्टा कहूँ या सियाज, जी हाँ, ये टोयोटा एंड मारुति सुजुकी का अगला जॉइंट वेंचर होने वाला है। ग्लांजा और अर्बन क्रूजर के बाद कुछ एड ऑन फीचर्स को छोड़कर ये पूरी पूरी सियाज होने वाली है। लेकिन देखना यह है कि क्या बेल्टा सियाज से ज्यादा सेल्स कर पाती है। चौथा है टोयोटा का D22 क्रॉसओवर। दिस इज द अनदर जॉइंट वेंचर दैट टोयोटा एंड मारुति सुजुकी आर वर्किंग ऑन। लेकिन एक बात जो मुझे पता नहीं है कि ये गाड़ी टोयोटा शोरूम्स में बेची जाएगी या मारुति डीलरशिप के नेक्सा शोरूम में। अगर प्राइस और साइज की बात करूं तो ये दोनों में ही हुंडई की क्रेटा से कम होने वाली है। तो जहां तक की लगता है, ये गाड़ी टोयोटा की बैंगलोर प्लांट में प्रोड्यूस की जाएगी और मारुति सुजुकी इसके पार्ट्स बनाएगी। दिस विल बी द बेस्ड ऑन DNGA, विच इज Daihatsu न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर। दिस इज बेसिकली द लो कॉस्ट वर्जन ऑफ TNGA प्लेटफॉर्म। तो 2022 की स्टार्टिंग में ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। तो ये सब कार्स हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, अगर एकॉप्लिप्स ना आए तो। खैर, उम्मीद करते हैं कि टोयोटा और मारुति सुजुकी की जॉइंट वेंचर से अपने को कुछ अच्छी गाड़ियां देखने को मिल सकती हैं। एक बात और जो मैं आपको बता दूं, साथ ही मारुति की XL6 और कुछ MPVs व्हीकल्स बनाने का भी इनका अगला टारगेट है, जो कि जल्द ही मार्केट में लॉन्च होगा। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। चेक आउट द प्लेलिस्ट फॉर मोर वीडियोस। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए me it's time for me